हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम होता है काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, और इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं KI इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स। ये हमने दो हेलो एल्केन्स लिए हैं। पहले हेलो एल्केन में यहाँ पे क्या है, मिथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, और दूसरे केस में उन्हीं हाइड्रोजन्स की बजाय यहाँ पे ड्यूटीरियम को लगाया गया है, यानी आइसोटॉप्स को लगाया गया है, हैवियर आइसोटॉप का यूज़ किया गया है। एल्कोहलिक केवेज का यूज़ जब हम करते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट मेजर बनता है, और इस पूरी रिएक्शन का जो रेट है उस रिएक्शन को हम मान सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, आर एच, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब जब यहाँ ड्यूटीरियम प्रेजेंट होगा तो ऐसे केस में भी रिएक्शन ज़रूर होगी, तो ऐसे केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन आया लेट अस से दैट विल बी आर डी। तो अब ये बताओ, पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि रेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा या रेट इन केस ऑफ ड्यूटीरियम ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमारे पास रियल ऑब्जर्वेशन ऐसा आता कि रेट ऑफ इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम इज सेम, इसका मतलब इस केस में आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आइसोटॉप के सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन पे जब कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आइसोटॉप को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ जाए तो इसका मतलब काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। सो गाइज, व्हाट इज काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट? इट मीन्स दैट व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन विद अनदर आइसोटॉप एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस सिग्निफिकेंटली, ध्यान रखिए सिग्निफिकेंटली, देन ओनली काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। काइनेटिक इंडिकेट्स कि यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और आइसोटॉपिक इफेक्ट का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस केस में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में यहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट लगता है, एंड रेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज मच ग्रेटर देन इन द केस ऑफ ड्यूटीरियम, क्योंकि जब रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पे हमें कार्बन ड्यूटीरियम का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी होती है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली लेस रहता है, और ऊपर वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिवली ज़्यादा रहता है। सो इन द केस ऑफ ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। आइए अब देखते हैं यही चीज ईवन रिएक्शन में। मान लीजिए हमारे पास यहां इस तरह का साइक्लोहेक्सेनॉल है और हम इसका डिहाइड्रेशन करना चाह रहे हैं, और मान लीजिए दूसरे केस में हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल ही है, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन लगे थे वहां पे यहां ड्यूटीरियम लगे। अब इस केस में दोनों का रेट हम निकालेंगे, पहले का रेट आप मान सकते हो आर एच और दूसरे का रेट आप मान सकते हो आर डी। अब जब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं और इसको एनालाइज करते हैं तो ऐसे केस में पाया जाता है कि रेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन केस ऑफ ड्यूटीरियम। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर वाटर निकलने के बाद केटैन बनता है, और केटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट हाइड्रोजन ड्यूटीरियम में सिमिलर रहती है। वैसे हाइड्रोजन वाले में स्लाइटली ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ बेटर हाइपर कॉन्जुकेशन, पर आरडीएस के अंदर यहाँ पे हमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, ड्यूटीरियम वाला बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ रहा है। ड्यूटीरियम वाला बॉन्ड फाइनली हमें ब्रेक करना पड़ेगा इन द फास्ट स्टेप, पर फास्ट स्टेप से रेट पे कोई असर नहीं आता है। तो आपने देखा कि काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट होने के लिए जो ये आइसोटॉपिक बॉन्ड होता है, जिसे कार्बन ड्यूटीरियम का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटॉपिक बॉन्ड। इस तरह का आइसोटॉपिक बॉन्ड जो है वो आरडीएस में जब क्लीव होता है, ब्रेक होता है, तभी हम बोलते हैं कि यहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। सो गाइज, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या होता है। सो गाइज, वी नीड सम हेल्प फ्रॉम यू। एटीपी का जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो गाइज, इफ़ पॉसिबल डू लाइक इट, आप उसको ओपन करें, लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑनेस्ट रेटिंग हमें ज़रूर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएँ। ओके गाइज, थैंक्स इन एडवांस, बाय बाय एंड टेक केयर।